बाद अब हम बात करेंगे देवास की माँ चामुंडा और तुलजा देवी की। माता टेकरी पर विराजमान देवियों का धाम अद्भुत है, जहाँ साल भर आस्था और विश्वास का मेला लगा रहता है। ये भव्य आरती, ये भक्तों की भीड़ इस देवस्थल की दिव्यता को बताने के लिए काफी है। नवरात्रि में माता की ये टेकरी जयकारों से गूंजती रहती है। हर तरफ आस्था का सैलाब दिखाई देता है, हर तरफ श्रद्धा और विश्वास की गंगा बहती नजर आती है, क्योंकि ये माँ चामुंडा और माँ तुलजा का दरबार है। देवास में ऊंची पहाड़ी पर माँ चामुंडा और तुलजा विराजमान हैं। कहते हैं दोनों माता यहाँ जागृत अवस्था में विराजमान हैं। माँ तुलजा को श्रद्धालु बड़ी माँ के नाम से बुलाते हैं, तो माँ चामुंडा में छोटी माँ का स्वरूप निहारते हैं। तुलजा भवानी माता और चामुंडा माता में उस समय किसी बात पर विवाद हुआ। जो तुलजा भवानी माता है जहाँ हम बैठे हैं, वो तो गुस्से में धरती के अंदर समा गई थी और चामुंडा माता पहाड़ फाड़ कर उधर चली गई थी, जिन्हें देवी देवताओं ने पहले चामुंडा माता को शांत किया गया और चामुंडा माता वैसी की वैसी वहाँ पर गुस्से में खड़ी हुई। आप जितने भी देवी देवता थे, हनुमान जी वगैरह, उन्होंने बोला कि आप भक्तों का कल्याण करने के लिए रुक के यहाँ से मत जाएं, अपना स्थान यहीं पर रखें। वो तुलजा भवानी माता जो धरती के अंदर समा रही थी, उनको भी यहाँ के शांत किया गया। लाखों में यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है रोज प्रति रात, इतने से ही जिस दिन से नवरात्रि का आरंभ होता है उसी दिन से लगातार लोग बढ़ते चले जाते हैं। और काफ़ी सालों से मैं खुद देख रहा हूँ कि हर साल प्रतिवर्ष जो है भक्त यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, लाखों की पब्लिक में यहाँ पर आते हैं। माँ की कृपा इस स्थान पर कैसे हुई ये तो हमने जाना, अब चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि में इस शक्ति पीठ का महत्व क्या है। यहाँ पर ये देवताओं का वास है, इसीलिए देवास कहा जाता है। यहाँ जहाँ जहाँ अंदर गिरे वो शक्ति पीठ हो गया, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्त पीठ हो गया। तो ये 1000 जब माँ के नाम शुरू कहलाते हैं, उसी में से 1008 माँ के रक्त पीठ और शक्ति पीठ के रूप में इस धरती पे गिरे हैं, जिसमें 51 शक्ति पीठ है। एक शिव का माना जाता है, इसलिए 52 शक्ति पीठ किए जाते हैं। इसके अलावा सब रक्त पीठ माँ इस धरती पे गिरे हैं और एक रक्त से कई उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर भी एक रक्त से 9 माताओं की उत्पत्ति हुई है। तुलजा भवानी, चामुंडा, बिजासन माता, पार्वती जी, कालिका, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, खोखो माता और माँ अम्बे वाली माता। माता तुलजा और चामुंडा का ये प्रसिद्ध स्थल रक्तपीठ है। विक्रमादित्य कालीन मंदिर के रूप में भी इसकी पहचान है। नवरात्रि में 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन भक्तों के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन यहाँ आस्था कभी कम नहीं होती। हमारी तो हर मनोकामना पूरी होती है माता के आशीर्वाद से। ये देखो हमारी मनोकामना 30-35 सालों से लगातार आना जाना है यहाँ पर, बड़ा सिद्ध स्थान है माता जी का। चामुंडा का दरबार है माँ तुलजा भवानी का। विगत 40 वर्षों से मैं अपने बाल्यकाल से ही माँ के दरबार में आता हूँ और मेरे परिवार की बहुत दयनीय स्थिति थी। आज माँ के आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार हरा भरा फुला फला है। वो सब सर्वोच्च शक्ति माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा की असीम। हरी भरी वादियों और पहाड़ की ऊंचाइयों पर माता के चमत्कारों के किस्से भी सुनाई देते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर देवी दिन में 3 रूप बदलती हैं: सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और रात्रि के समय वृद्धावस्था में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ हर रूप में अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। श्रद्धालु भी माता की महिमा का बखान करते नहीं थकते हैं। कहते हैं माँ बिन मांगे मुरादें पूरी करती हैं। यहाँ आते तो खाली हाथ हैं, लेकिन झोली भर कर जाते हैं।
माँ अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहता है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। कोरोना को देखते हुए खास इंतजाम किए गए, सैनिटाइजेशन से लेकर सुरक्षा के लिए 64 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। साथ ही शहर के 5 जगहों पर लाइव दर्शन के लिए LED लगाई गई, वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर भी भीड़ नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। जो श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ने में असहाय हैं, उनके लिए रोपवे की सुविधा है। देवास की माता टेकरी आस्था और आध्यात्म का वो ठिकाना है जहां साल भर श्रद्धा और विश्वास की गंगा बहती है, और इस गंगा की धार नवरात्रि में और तेज हो जाती है। मां की मनमोहक छवि और उनका दरबार का सुंदर नजारा श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। कहते हैं जो एक बार माँ की शरण में पहुँच जाता है, माँ उसके हर कष्ट को हर लेती हैं और हर मुराद को बिना कहे ही पूरा कर देती हैं। माता तुलजा और चामुंडा भवानी की महिमा किसी से छिपी नहीं है। दोनों देवियों का ये रक्तपीठ है और नवरात्र के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त अपनी मुराद लेकर माँ के द्वार पर पहुँचते हैं। माता तुलजा और चामुंडा भवानी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देती और दोनों माताओं की जो महिमा है वो अपरंपार है, इसीलिए भक्त यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। कोई भक्त पैदल जाता है, कोई भक्त घुटनों के बल जाता है और कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर हाथों में दीपक तक लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है। यही कारण है कि भक्तों की गहरी आस्था देवास स्थित माता तुलजा और चामुंडा के इस स्थान से जुड़ी हुई है। नवरात्र के दिनों में जहाँ लाखों की संख्या में भक्त अब यहाँ पर पहुँचेंगे, वहीं माता के दर्शनों के लिए वर्ष भर भी यहाँ पर भक्तों का तांता देखने को मिलता है। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़।